नमस्कार स्टूडेंट्स, अपनी एक्सरसाइज चल रही है 4.3। और बेटा 4.3 का अपना प्रश्न है आज सातवां, ध्यान से समझना। आपका सातवां प्रश्न है कि कक्षा 9 की दो छात्राएं हैं, एक छात्रा का नाम है यामिनी और दूसरी छात्रा का नाम है फातिमा। उन दोनों ने मिलकर क्या किया कि भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये अंशदान दिए। अब देखिएगा, आपकी पहली छात्रा है यामिनी और दूसरी छात्रा है फातिमा। उन दोनों ने मिलकर प्रधानमंत्री राहत कोष में कितने रुपए दान किए बेटा? 100 रुपये दान किए। तो माना यामिनी का प्रधानमंत्री राहत कोष में योगदान 100 रुपये। कितना है बेटा? 100 रुपये। और दूसरा कि फातिमा, दूसरी लड़की क्या है? फातिमा का प्रधानमंत्री राहत कोष में योगदान 2 रुपये। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे कि प्रश्नानुसार दोनों का योगदान देखिएगा। एक लड़की कौन सी थी? यामिनी। और दूसरी लड़की कौन सी थी बेटा? फातिमा। अब दोनों का योगदान क्या रहेगा? मतलब कि यामिनी का योगदान है 100 रुपये और फातिमा का योगदान है 2 रुपये। और दोनों ने मिलकर कितने रुपए दिए बेटा? 100 रुपये दिए। अब देखिए आगे प्रश्न है कि इनका एक रैखिक समीकरण लिखिए। तो अपना रैखिक समीकरण तो मिल गया, x + y = 100 है। और आगे दिया गया है कि ग्राफ भी बनाइएगा। आपको क्या बनाना है बेटा? ग्राफ बनाना है। तो देखिए समीकरण में अब यहाँ x + y = 100 है, तो x बराबर कितना आ गया बेटा? 100 - y। इसको मैं समीकरण एक लिख दूं। समीकरण एक में y का मान 40 रखने पर, अपनी मर्जी से रखना जो भी है, y का मान मैंने क्या रखा? 40। तो x बराबर आ गया 100 - 40, मतलब कि 60। दूसरा y का मान 50 रखने पर, x का मान देखिए 100 - 50 बराबर आ गया 50। और y का मान 60 रखने पर x बराबर 100 - 60 बराबर में आ गया 40। तो अगर यहाँ मैंने सारणी बनाई, एक आपका x का मान है, दूसरा है y का। पहले 40 लिया, फिर 50 लिया, फिर 60 आया। 40 लिया तो 60 आया, 50 लिया तो 50 आया, 60 लिया तो 40 आया, क्योंकि दोनों का मिलके कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए। अब बेटा आप ध्यान से फिर समझिएगा, यहाँ मैं ग्राफ बनाता हूँ। तो ये वाला आपका वाई एक्सिस है, ये वाला आपका एक्स एक्सिस है। एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। तो यहाँ
एक, यहाँ देखिएगा 100 तक है ना, तो यहाँ लेता हूँ मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 10, 20, 30, 40, 50, 60। इस प्रकार यहाँ भी कितने तक कर देंगे बेटा, ऐसे 100 तक कर देना। 10, 20, 30, 40, 50, यहाँ तक भी 100 तक कर देना। 10, 20 माइनस के हैं सारे, 30, 40, 50, 60, यहाँ तक भी कितने तक कर देना, 100 तक कर देना। बट अपने को आवश्यकता 60 तक ही है, तो मैंने 60 तक ही लिखा है, और यहाँ तक 100 तक लिख दिया, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 60 आपका लास्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। अब सुनो बेटा, पैमाना लिखोगे, पैमाना में थोड़ा सा चेंजिंग करना। पैमाना एक आपका एक्स अक्ष का है और एक आपका वाई अक्ष का है। एक खाना बराबर 10 इकाई, एक खाना बराबर 10 इकाई, एक खाना बराबर 10 इकाई और एक खाना बराबर 10 इकाई। अब सुनिएगा, x का मान है 60, y का मान है 40। ये वाला बिंदु A हो गया, 60 और 40। x का मान 50, y का मान 50, ये लीजिए जी B के निर्देशांक हैं 50 और 50। x का मान है 40 और y का मान है 60, ये लीजिए बेटा C के निर्देशांक 40 और 60। इन तीनों को मैं मिला रहा हूँ तो मुझे एक सरल रेखा प्राप्त हुई PQ, और कौन से समीकरण से, x प्लस वाई बराबर 100। यही आपका क्या है, आंसर है। एक बार फिर से थोड़ा रिपीट करता हूँ, एक लड़की है यामिनी और एक लड़की है फातिमा। यामिनी और फातिमा ने मिलकर प्रधानमंत्री भूकंप राहत कोष योजना में 100 रुपये दिए, तो अपने को ये नहीं पता है कि यामिनी ने कितने दिए, अपने को ये नहीं पता है फातिमा ने कितने रुपए दिए। तो मैंने मान लिया कि यामिनी ने तो x रुपए दिए और फातिमा ने y रुपए दिए। अब प्रश्न के अनुसार चलेंगे तो इन दोनों का सम कितने रुपया होगा बेटा, 100। y को मैं इधर ले गया तो x बराबर कितना आ गया, 100 माइनस y। अब यहाँ देखिए, y का मान 40 रखने पर x का मान आ गया 60, y का मान 50 रखने पर x का मान 50 आ गया, y का मान 60 रखने पर x का मान कितना आ गया, 40। अब यहाँ मैंने एक ग्राफ बनाया, ग्राफ में आप क्या करोगे बेटा कि एक खाना बराबर इकाई कितनी लेना, 10 इकाई लेना, ताकि अपना ग्राफ अच्छे से बन जाए। अब यहाँ अपना ये ग्राफ बन गया, अपने को एक सरल रेखा PQ प्राप्त होती है, यही आपका आंसर है। और यहाँ पैमाना आप जरूर लिखना कि एक खाना में x एक्सिस बराबर कितना लिया है और y एक्सिस बराबर कितना लिया है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब बेटा देखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न करवाते हैं। अब देखिएगा, आपका प्रश्न संख्या है 8, आठवां प्रश्न। अच्छा प्रश्न है बेटा, ध्यान से समझना कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फारेनहाइट में मापा जाता है, फारेनहाइट में मापा जाता है, बट अपना तापमान है वो सेल्सियस में मापा जाता है। देखिएगा, आपका जो अमेरिका है,
कनाडा है, फारेनहाइट में तापमान मापा जाता है और अपना तापमान है वो सेल्सियस में मापा जाता है। जैसे कि अपने को सबसे पहले तो क्या करना है, एक रैखिक समीकरण दिया गया है। फारेनहाइट बराबर होता है, ध्यान से समझना, फारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32, प्लस में कितना होता है 32। बेटा ये एक्चुअल में फारेनहाइट को सेल्सियस और सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करने का फार्मूला होता है। आप हमेशा ध्यान रखना कि फारेनहाइट को एफ से डिनोट किया जाता है, सेल्सियस को सी से डिनोट किया जाता है। तो फारेनहाइट बराबर होता है 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। कभी भी आपको टेम्परेचर है वो फारेनहाइट से सेल्सियस में या सेल्सियस से फारेनहाइट में चेंज करना है तो एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, आपका फार्मूला रहेगा F बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। आपको ये समीकरण दिया गया है, फारेनहाइट को तो F से प्रदर्शित किया गया है और सेल्सियस को C से प्रदर्शित किया गया है। अब आप प्रश्न देखिए, सबसे पहले क्या है, सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे और फारेनहाइट को वाई एक्सिस मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। इसने दिया गया है कि सेल्सियस को तो एक्स एक्सिस मानना है, सेल्सियस को तो क्या मानना है, एक्स अक्ष मानना है, और फारेनहाइट को वाई अक्ष मानना है। सेल्सियस को एक्स अक्ष मानकर और फारेनहाइट को वाई अक्ष मानकर एक ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले बेटा देखिएगा, समीकरण थी अपने पास F बराबर 9/5 सी डिग्री सेल्सियस प्लस में कितना है 32। अब फारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करेंगे तो आपका क्या रहेगा फार्मूला, F बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। अब अपने को एक का मान रखना है, दूसरे का अपने आप आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, जैसे कि सेल्सियस का रखता हूँ मैं समीकरण में C बराबर रखा मैंने 40 डिग्री। ध्यान से समझना बेटा, कितना रखा 40 डिग्री। अब C बराबर मैंने 40 डिग्री रखा तो F बराबर आ गया 9/5 इंटू 40 प्लस में 32। डिग्री में चलेगा बेटा, ये 40 सीधा लिख देता हूँ। F बराबर आ गया 5 × 40, 5 × 8 कितना हो गया बेटा 40, और यहाँ कितना आ गया 9 × 8 = 72 और प्लस में कितना आ गया 32। तो आपका आ गया 2 × 2 = 4 + 7 = 10। बेटा कितना आ गया भाई, आप मेरे को ये बताइएगा, आपका मान आ गया 104 डिग्री सेल्सियस। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और हाँ बेटा, अगर आपको ये लगता है कि नहीं सर 104 डिग्री तो हम आगे कहाँ तक लेके जाएंगे, 104 डिग्री तो ज़्यादा हो जाएगा, 10-10 का गैप लेंगे तो 100 से आगे जाएगा, तो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। जैसे कि मैंने 40 की बजाय क्या ले लिया, सुनो, माइनस का 40 ले लिया ताकि आपका और एहसान करवा दूँगा। माइनस का 40 लिया तो 9/8 कितना होता है बेटा 72 और प्लस में कितना है 32। तो यहाँ माइनस का 40 फिर आ गया। मतलब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ से एक प्रश्न और हो गया कि प्रश्न आता है कि आप बताइएगा फारेनहाइट और सेल्सियस का तापमान कब इक्वल होता है, कौन से मान पे इक्वल होता है। तो आपका आंसर रहेगा बेटा माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस पर फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का तापमान हमेशा बराबर होता है। दूसरा, अगर यही मैं बात करूं कि C का मान है वो ले लीजिए माइनस का 10, C का मान ले लिया मैंने माइनस का 10, तो F बराबर आ गया 9/5 इंटू माइनस 10 प्लस में आ गया 32, 5 × 10, 9 × 18 प्लस में आ गया 32। अब यहाँ इसको सोल्व करता हूँ मैं तो 12 में से 8 गया 4 और यहाँ 2 में से 1 गया 1, आपका आ गया
14 डिग्री, कितना आ गया बेटा 14 डिग्री। अब सुनो, यहाँ तक बताइए समझ में आया कि नहीं। अब ये समझ में आया कि सर यहाँ तो 14 आ गया, हमें कहाँ से समझ में आएगा, 10-10 का गैप लेंगे तो 1, 2, 3, 4, 10 और 15 के बीच में दिक्कत आएगी। देखो मैं बार बार मान अलग अलग लेके तभी समझा रहा हूँ, मान तो कोई भी ले सकते हो, कि हमें तो एक्चुअल में जीरो का माननी चाहिए ताकि कोई ग्राफ में डाउट ही नहीं आए, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। आप है ना -10 की बजाय क्या रख सकते हो, 10 रख सकते हो, तो -10 की बजाय क्या रखा, 10 रख दिया। देखो मैंने अलग अलग मान लेके बताया, आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो। अब 10 लिया तो 5 × 2 = 10, अब देखिएगा 18 + 32 कितना होता है 50। अब देखो ऐसे प्रश्नों में आप मान लेना चाहते हो तो 2 से भी अपने को एक सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी, 2 मान भी चलेगा, इसमें आप 2 ही मान रखना। तीसरा जैसे को 10 रख सकते हो, 40 रख सकते हो, 50 रख सकते हो, दिक्कत नहीं आएगी, बट आप इसमें 2 ही मान रखना ताकि बेटा आपकी कोई गलती ना हो। अच्छा प्रश्न है ये। अब सुनो, यहाँ से सारणी बनाई मैंने, एक आपका आ गया x, एक आपका आ गया y। अब सुनो x और y की बजाय यहाँ सेल्सियस और फारेनहाइट है, सेल्सियस और फारेनहाइट है। अब देखिएगा सेल्सियस का मान रखा माइनस का 40 डिग्री, तो फारेनहाइट का मान भी माइनस का 40 डिग्री आया, और सेल्सियस का मान रखा 10 तो फारेनहाइट का मान आ गया 50। अब प्रश्न में दिया गया है कि सेल्सियस को तो रखो एक्स एक्सिस पे और फारेनहाइट को, सेल्सियस को तो रखो एक्स एक्सिस पे, ये वाला है सेल्सियस और बेटा ये वाला है फारेनहाइट, वाई ओ वाई डैश। अब सुनो यहाँ तक देखो 50 तक मान आया है ना, तो 10 20 30 40 50 ठीक है, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 50, 10, 20, 30, 40, 50, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 50। सी का मान -40 रखो, सेल्सियस एक्स एक्सिस पे है, सी का मान -40 और एफ का मान भी -40, बिंदु ए के निर्देशांक -40 और -40, सी का मान रखो 10 और एफ का मान रखो 50, बिंदु बी के निर्देशांक 10 और 50। अब देखिएगा इनको मिला दीजिएगा बेटा, अपने को एक सरल रेखा प्राप्त हुई पी क्यू, और कौन से समीकरण से, एफ बराबर 9/5 सी प्लस में 32। तो सबसे पहले देखिएगा हमने आलेख बनाया, और पैमाना जरूर लिखना आप, आपका पैमाना रहेगा एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष में एक खाना बराबर 10 डिग्री सेल्सियस और एक खाना बराबर 10 डिग्री फारेनहाइट। वाई एक्स और एक्स एक्स में ये आप लिख देना पैमाना। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब सुनो इसी का दूसरा पार्ट है, इसी का दूसरा पार्ट है, इसी का ये तो था बेटा पहला पार्ट की आलेख बनाइए, इसी का दूसरा पार्ट है। सुनो भाई क्या है, यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा। सुनो C बराबर कितना दिया गया है 30 डिग्री सेल्सियस, C बराबर है 30 डिग्री सेल्सियस, तो F बराबर आ गया 9/5 C प्लस में 32, डिग्री नहीं लगाया यहाँ, डिग्री लगा देना चाहिए, 9/5 इंटू 30 डिग्री प्लस में 32, या सीधा ही लिख देना चाहिए 5 × 30, 9 × 54, 54 + 32 और आपका आ गया 4 × 2 = 8। तो बताइएगा अगर 30 डिग्री सेल्सियस है वो कितने फारेनहाइट के बराबर है, 86 फारेनहाइट के बराबर है। ये था आपका दूसरा प्रश्न। और अगर मैं तीसरे प्रश्न की बात करता हूँ, यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में तापमान क्या होगा।
तापमान कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस। अब सुनो, इसी का तीसरा पार्ट है। तीसरे में दो पार्ट दिए गए हैं। C बराबर 0 दिया गया है, तो F का मान देखो कितना आता है, आपका आता है 9/5 C की जगह 0 प्लस में 32, तो F बराबर में कितना आ गया, 0 प्लस 32 अर्थात 32, मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस है वो 32 फारेनहाइट के बराबर है। और इसी का बी पार्ट है, यदि फारेनहाइट 0 दिया गया है तो C का मान कितना होगा। बिल्कुल इजी सा है बेटा, आपका F बराबर कितना है, फॉर्म देखो 9/5, तो यहाँ 0 बराबर 9/5 C प्लस 32। अब देखिए इसको इधर ले जाऊँगा मैं, 9/5 C तो अपनी जगह है, इसको इधर ले गया तो माइनस का 32 आ गया, और C बराबर कितना आ गया, माइनस 32 इंटू 5/9 अर्थात 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15 और 1 = 16/9, तो आ गया 9 × 1 = 9 और आपका बच गया बेटा 7, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63। आप ये भी लिख देना चाहिए, माइनस का 160/9। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई डाउट ही नहीं है। अब सुनिएगा, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, यहाँ रख सकते हो आपका, आप ये भी रख सकते हो, या इसको अगर सॉल्व करें ना, चलो मैं कर ही देता हूँ, कहीं दिक्कत ना आए, माइनस का 17.8 फारेनहाइट सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 0 फारेनहाइट बराबर होता है माइनस का 17.8 डिग्री सेल्सियस। ये था आपका प्रश्न संख्या इसी का दूसरा, तीसरे का। चौथा प्रश्न है बेटा आपका इसी में, अगर मैं चौथे प्रश्न की बात करता हूँ तो आपका है कि, अच्छा तीसरा प्रश्न आपका 95 डिग्री फारेनहाइट दिया गया है बेटा, ये तो आपका था चौथा, और तीसरा देखिए, तीसरा आपका है कि टेम्परेचर है वो कितने फारेनहाइट दिया गया है, 95 डिग्री फारेनहाइट। बहुत आसान है, टेम्परेचर कितना, फारेनहाइट कितना दिया गया है, 95 डिग्री। अब सुनो, F बराबर कितना रख देंगे, 95 बराबर है 9/5 C प्लस में 32, इसको इधर ले गया तो 9/5 C, एक ही बात है, राम श्याम का भाई है, तो श्याम किसका भाई है, राम का भाई है, 95 - 32, तो 9/5 C बराबर 5 में से 2 गया 3, 9 में से 6 = 6, C बराबर आ गया 63 × 5/9, 9 × 7 = 63, 7 × 5 = 35, कितना डिग्री आ गया बेटा, 35 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैंने कुछ नहीं किया अपनी तरफ से, मैं तो फार्मूले में मान रख रहा हूँ भाई सबका। और पांचवा क्या है, क्या ऐसा भी कोई तापमान है कि फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों आपस में क्या हो, बराबर हो। हाँ है तो ज्ञात कीजिए, सीधी सी बात है, ये रहा अभी किया था ना, ये रहा पांचवें का, हाँ माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 40 डिग्री पर फारेनहाइट व सेल्सियस का मान बराबर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो बेटा कुछ नहीं है, सबसे पहले आपका फारेनहाइट बराबर 9/5 °C प्लस 32 है, आप सेल्सियस का मान रखते जाना, फारेनहाइट का मान आ जाएगा, दो ही मान रखना, ज़्यादा मत रखना। आपने ग्राफ बनाया, उसके बाद कभी सेल्सियस का मान दे दिया, कभी फारेनहाइट का मान दे दिया, उसके अलावा ये आप फारेनहाइट की जगह फारेनहाइट रख मान दिया गया है तो वो रख देना, सेल्सियस की जगह सेल्सियस रख देना। ये आपको समीकरण सोल्व करने तो बार बार आ गई है, मान ही रखे, इसको सोल्व भी तो करना है ना। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बेटा ये वाला प्रश्न आप कम से कम 2 बार रिपीट कीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू, और नेक्स्ट कल करेंगे।